हेलो क्लास फोर्थ, टुडे वी विल डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर फोर नॉर्दर्न प्लेन्स। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स से कौन कौन से जो रिवर बेसिन्स हैं वो बनते हैं, और जिन कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इन रिवर बेसिन्स को कवर करते हैं। अब वो जो स्टेट्स हैं, उन जो नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पर पाए जाते हैं, उन स्टेट्स में जो लाइफ होती है वो किस तरीके की होती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल एंड देयरफॉर थिकली पॉपुलेटेड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हमारा जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आते हैं, है ना। और यहाँ जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि ये जो सारी रिवर्स हैं वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं वो इन रिवर बेसिन्स पर अपने ला करके डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी फर्टाइल हो जाते हैं। यहाँ की सॉइल जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो इन एरियाज में जो है वो ईजली ग्रो की जा सकती हैं। तो इसकी वजह से मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इन प्लेन्स में ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि प्लेन वाला एरिया है तो यहाँ पर कन्वेंस जो है, मतलब व्हीकल्स जो है वो ईजली मार्केट्स तक पहुँच पाते हैं। जो एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है वो ईजली मार्केट्स तक उसको पहुँचाया जा सकता है। यहाँ पर फार्मिंग करना काफ़ी ईजी होता है, इसलिए ये एरिया जो है थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्योंकि यहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है तो यहाँ के जो लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर। क्योंकि यहाँ पर क्रॉप्स जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खेती में लगे हुए होते हैं। द स्टेट्स दैट लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, जो स्टेट्स जो कवर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को, जो कवर करने वाले जो स्टेट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल और असम का भी आता है। एंड अ यूनियन टेरिटरी द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ डेली ऑल्सो लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो डेली है वो भी इसी के अंदर आती है। लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस रीजन। इस एरिया, इस क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, यहाँ की जो सॉइल है उसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके का होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। सबसे पहले पंजाब। इन द पंजाब प्लेन्स ऑफ पंजाब, इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब, फार्मर्स मोस्टली ग्रो वीट, राइस, शुगर केन, मेज एंड बेली। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो, क्योंकि यहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ की जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी फर्टाइल हैं, तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो ग्रो की जाती है वो कौन कौन सी क्रॉप हैं, चावल, चीनी, मक्का, बाजरा, यहाँ पर मोस्टली ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं। द फार्मर्स यूज मॉडर्न मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर अच्छी हाईटेक मशीन्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं फार्मिंग के लिए। एंड द पीपल ऑफ द पंजाब आर फॉन्ड ऑफ मक्की की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी। जो यहाँ के लोग होते हैं वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ का जो बहुत पॉपुलर जो फूड आइटम है वो क्या है, मक्की की रोटी, क्योंकि यहाँ पर मक्का बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर लोग जो है वो मक्की की रोटी, सरसों का साग, उसके मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग और लस्सी जो है वो यहाँ की सब लोगों की फेवरेट डिश होती है। और यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, गुरु पर्व, बैसाखी एंड लोहड़ी आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। यहाँ पर जो मेन जो फेस्टिवल्स होते हैं वो गुरु पर्व, बैसाखी एंड लोहड़ी।
नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो है हरियाणा। फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन हरियाणा। सेम, क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो हरियाणा में भी जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, फार्मिंग। और फार्मिंग में क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी फसलें जो है वो ग्रो करती हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं, जो एनिमल्स, जो कुछ जैसे कि गाय, कुछ भैंस और कुछ गोट, वो भी यहाँ पर रेयर करते हैं, यानी कि पालते हैं। इसके अलावा क्योंकि कैटल्स यहाँ पर पाले जाते हैं, तो डेयरी फार्मिंग जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। दूध काफ़ी मात्रा में यहाँ पर होता है ना। जैसे आपने सुना भी होगा, हरियाणा दूध लस्सी का खजाना, क्योंकि यहाँ पर दूध और लस्सी जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। लोग जो है, यहाँ के जो फेवरेट फूड आइटम्स होते हैं उसमें दूध और लस्सी आता है। इन हरियाणा वीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस, बार्ले, मिलेट्स, मेज, कॉटन एंड शुगर केन आर एक्सटेंसिवली ग्रोन इन हरियाणा। तो यहाँ की जो मेन फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, गेहूँ, चावल, दालें, मक्का, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कॉटन जो है वो यहाँ पर उगाई जाती हैं, गन्ना भी उसके अंदर आता है। तो मेन फसलें जो हैं यहाँ की, ये सारी मेन क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दिल्ली, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिल्ली वर्क इन ऑफिसेस और हैव देयर ओन बिजनेसेस। क्योंकि जो दिल्ली है वो हमारे इंडिया की कैपिटल है, तो मेन जो यहाँ का जो लोग हैं वो कहाँ पर वर्क करते हैं, ऑफिसेस में वर्क करते हैं या फिर इनके खुद के पर्सनल जो वो कुछ बिजनेस होते हैं, अपने प्राइवेट जो है वो उनके जॉब्स करते हैं। स्ट्रीट फूड ऑफ ओल्ड दिल्ली इज़ वेरी पॉपुलर। तो जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ के जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। लोग जो हैं वो स्ट्रीट साइड में जो फूड आइटम मिलते हैं उनको खाना जो है वो काफ़ी पसंद करते हैं। एंड पीपल ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स। पूरे इंडिया में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, मोस्टली सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो यहाँ हमारे इंडिया के जितने भी फेस्टिवल हैं वो यहाँ दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, चाहे वो मॉमडन्स के हों, चाहे वो हिंदूज के हों, लेकिन सारे ही फेस्टिवल्स जो हैं वो दिल्ली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सच एज कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट आर फाउंड इन दिल्ली। और बहुत सारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ दिल्ली में जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया। ये सारे जो मेन जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ दिल्ली में ही हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश आर फार्मर। क्योंकि यहाँ पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो जो भी स्टेट्स इसके अंदर आते हैं सभी का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस में लगे हुए हैं, फार्मिंग में। दे ग्रो वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड एंड शुगर केन। और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वही सेम सारी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, दालें, गन्ना, ये सारी ही क्रॉप्स जो हैं वो इन स्टेट्स में मिलती हैं। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ऑल्सो सेट अप फैक्ट्रीज वेयर टेक्सटाइल, लेदर गुड्स एंड मेटल वेयर आर मैन्युफैक्चर्ड। तो क्योंकि यहाँ की जो इनको ईजली जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ, क्योंकि ये सारी ही ये जितनी भी फैक्ट्री हैं इनके लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, इनकी क्रॉप्स यहाँ पर ईजली ग्रो की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरीके के जो भी मेटल वेयर हैं वो सब कुछ जो है यहाँ पर होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ताजमहल, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन आगरा, अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो एक सिटी है आगरा, हमारा जो ताजमहल है वो इसी सिटी के अंदर लोकेटेड है, जो कि
सेवन वंडर्स के में से एक है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट बिहार। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार। फार्मर्स ग्रो राइस, व्हीट, पल्सेस, जूट, ऑयल सीड्स, मैंगो, गुआवा, लीची एंड बनाना। जो बिहार है उसकी सॉइल भी जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, और सेम जो क्रॉप्स हैं वो इस स्टेट में भी ग्रो की जाती हैं। यहाँ पर गेहूँ, यहाँ पर चावल, बहुत सारी दालें, जूट और बहुत सारे फ्रूट्स भी जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि मैंगो, गुआवा, लीची, बनाना। बहुत ही इजीली ये जो ट्रीज हैं वो यहाँ की सॉइल में ग्रो करते हैं। द पॉपुलर डिशेस ऑफ बिहार आर लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा। सत्तू जो कि बेसन होता है, चना होता है, उसका जो फ्लोर जो है वो रेडी किया जाता है, और उससे वो आलू सत्तू जो है, सत्तू का पराठा जो है वो रेडी किया जाता है। और जो यहाँ का मेन फेस्टिवल है वो है छठ पूजा। छठ पूजा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट आता है इट इज वेस्ट बंगाल। टी, राइस एंड जूट आर एक्सटेंसिवली ग्रो इन वेस्ट बंगाल। जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस बैग, रोप, कारपेट्स एटसेट्रा। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? टी यानी कि चाय, राइस, जूट, जूट जिसका कि यूज़ किया जाता है रोप्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो मिल्स हैं, जूट मिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैग, रोप, कारपेट इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ईजिली बनाई जाती हैं। एंड फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर। और जो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फिशिंग। यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर मछली पालन करते हैं। एंड दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? दुर्गा पूजा। लास्ट स्टेट जो आता है इस नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर वो है असम। बिसाइड्स राइस एंड जूट, टी इज ऑल्सो ग्रोन एक्सटेंसिवली इन असम। असम फेमस फॉर टी गार्डन। बिहू इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम। राइस और जूट के अलावा टी जो है वो इस स्टेट में जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो की जाती है। असम जो है वो टी गार्डन के नाम से फेमस है, क्योंकि सभी इंडिया के सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला, टी प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है वो कौन है? असम। और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? बिहू। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर में आपको यहाँ पर एक ये राउंड अप माइंड मैप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अपने चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम लिखना है, और उसके बाद में ये ड्रॉ करना है आपको माइंड मैप। नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन कौन से बेसिन बनते हैं? सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। सतलुज रिवर बेसिन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब एंड हरियाणा। गंगा रिवर बेसिन के अंदर हमारा स्टेट जो कवर करते हैं वो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। नेक्स्ट जो हमारा ईस्टर्न पार्ट में जो रिवर बेसिन आता है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जिसके अंदर हमारा स्टेट आता है असम, असम का कुछ पार्ट। तो इस तरीके से आप ये माइंड मैप ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक टेबल बनानी है। सबसे पहले टेबल में आप उसको पार्टीशन ड्रॉ करेंगे, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे स्टेट्स। तो जो भी सारे आपके स्टेट्स आ रहे हैं वो सारे स्टेट्स नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं वो सारे स्टेट्स आपको नंबरिंग करके लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, वहाँ की क्रॉप्स, क्रॉप्स लिखनी है, और उसके बाद आपको लिखने हैं वहाँ के फेस्टिवल्स, कौन कौन से फेस्टिवल्स उस स्टेट के अंदर होते हैं, फेमस जो फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं।
लास्ट आप लिखेंगे फूड आइटम्स, तो फेमस फूड आइटम्स जो हैं वो हर स्टेट के फेमस फूड आइटम्स। तो इस तरीके से आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल में सभी स्टेट्स के बारे में डिटेल्स में आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।